नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये दूसरी वीडियो है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस: नाथन मेडू, आंध्र प्रदेश, पैंगोंग सो लद्दाख, नाडावेट ओडिशा, मेकदातु तमिलनाडु। हाउ मेनी पेयर्स गिवेन इज आर करेक्टली मैच्ड? तो इसमें ओनली लद्दाख जो है, पैंगोंग सो लेक, वो मैच्ड है, बाकी सब मैच नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन पेयर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाथन मेडू जो है वो तमिलनाडु में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे एक्सेस, स्क्रेपर्स, क्लीवर्स, चॉपर्स फाउंड किए थे, और ये कहा जा रहा है कि 12,000 ईयर संगम एरा के आसपास के। रोमन एम्फोरा सर्ड्स एंड ग्लास बीड्स इंडिकेट एक्टिव ट्रेड विद द रोमन्स। ठीक है, पैंगोंग से जो लेक, पैंगोंग सो लेक लद्दाख में है, 135 किलोमीटर लॉन्ग लैंडलॉक लेक है, और 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया के पास में है और 2/3 पार्ट जो है वो चाइना के पास में है। नाड़ाबेट गुजरात में है, लोकेटेड इन वन ऑफ कच्छ रीजन, विच वॉज इनॉग्रेटेड एज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर व्यूविंग पॉइंट एज अ पार्ट ऑफ सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसे वाघा ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। जैसे वाघा बॉर्डर पंजाब में है, वैसे ही वाघा ऑफ गुजरात। मेकेदातु जो है कर्नाटक में है। द रिजर्वायर प्रोजेक्ट ऑफ मेकेदातु वाज प्रपोज्ड बाय कर्नाटक, और ये कन्फ्लुएंस ऑफ क्या, कौन से रिवर से है? तो वो कावेरी एंड आर्कावती रिवर से है। द प्रोजेक्ट हैज क्रिएटेड अ डिस्प्यूट्स बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक ओवर द शेयरिंग ऑफ द कावेरी वाटर, कावेरी रिवर वाटर के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1993 टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर। तो ये 1993 नहीं होगा, 1992 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड्स द फिनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेजर एलिफेंट रेंजेस स्टेट इन द कंट्री। ये भी सही है। केरला हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। ये गलत है। तो ओनली टू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सही। सो मेनली जो एलिफेंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट साउथ सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। 16 ऑफ द 28 स्टेट में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, 1992 में हुआ था, और द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड द फिनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर मेजर एलिफेंट रेंज स्टेट इन द कंट्री थ्रू प्रोजेक्ट एलिफेंट। और माइसोर एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटक इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया, एंड सिंगफान एलिफेंट रिजर्व इन नागालैंड इज द स्मॉलेस्ट रिजर्व इन एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। तो ये दोनों याद रखना चाहिए। और तमिलनाडु असम में है 5 रिजर्व्स ईच, दोनों में ही है, बीइंग द स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स। सो ये केरला नहीं है ऑप्शन। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 के तरफ। Which of the following statements are correct regarding coal desert in India? It includes area of Ladakh, Leh and Kargil of Kashmir, that is Ladakh, and Spiti Valley of Himachal Pradesh and some part of northern Uttaranchal and Sikkim. They lie in the rain shadow of the Himalayan mountain systems and are not affected by monsoon. So, correct option choose karna hai. Iska correct answer hoga both 1 and 2. So, बहुत लोगों को लगता होगा कि जो लद्दाख में ही सिर्फ कोल्ड डेजर्ट है, ऐसा नहीं है। लाहौल स्पीति जो किन्नौर वैली है वहाँ पर भी है, और साथ ही साथ में कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड में भी ये देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट। और ये डेजर्ट इसलिए है क्योंकि रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है हिमालयन माउंटेन्स का, और यहाँ पर बारिश होती नहीं है, और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 to 4,000 meter एवरेज रहती है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंड रहता है, और साथ ही साथ में डेजर्ट लाइक सिचुएशन होती है। तो इसीलिए कोल्ड कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इंडिया का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अ हेल्दी एस्चुरी? अ हेल्दी एस्चुरी सपोर्ट ए होस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अ
Healthy estuary stores and recycle nutrients, trap sediment, and forms buffer between coastal catchment and the marine environment. ये भी सही है. एस्चुरी सपोर्ट डाइवर्स हैबिटेट्स सच एस मैंग्रोव, सॉल्ट मासेस, सी ग्रासेस, मड फ्लैट्स एट्सेट्रा. ये भी सही है. तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज 1, 2 एंड 3. ऑप्शन नंबर डी इसका सही है. तो एस्चुरी वैसा एक रीजन है जिस जहाँ पर जो फ्रेश वाटर रिवर है वो मरीन वाटर रिजर्वर से या सी वाटर से मिलता है. तो यहाँ पर आपको एज इफेक्ट दिखाई देता है, एज इफेक्ट. ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना ग्रो होते हैं. तो ये बहुत अच्छा जगह है फ्लोरा एंड फौना के लिए, और मैंग्रोव जैसे सुंदरबन डेल्टा में आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द टर्म पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस वॉज ऑफन हर्ड इन द न्यूज कॉरेस्पॉन्ड्स टू इट इज naturally occurring substance used in production of paper, man-made chemicals used to make products that resist grease, water and oil, man-made substances used in construction of lightweight bricks, naturally occurring substances found in rocks, animals, plants, soil and volcanic dust and gases. तो ये कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर होगा. पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस आर कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टिक अराउंड द एटमोसफियर, रेन वाटर एंड सॉइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस है आर मेड अप ऑफ मैनमेड केमिकल्स यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग, स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक्स एट्सेट्रा में जो बनाने में हेल्प करता है वही होता है. द PFAs आर कैन माइग्रेट इन द सॉइल, वाटर, एयर ड्यूरिंग द during their production and use. Since most PFAs do not break down and they remain in the environment for a long period of time, so ये environment में accumulate होते जाते हैं. The exposure of PFA can lead to क्या क्या हो सकता है? Decreased fertility, developmental effects in child, interference with body hormones, increased cholesterol level and increased risk of some cancers also. So इसका सही answer है option number B. man-made chemicals used to make products that resist grease, water and oil. Next question ki taraf move karte hain. Which of the following is the world's rarest marine mammal? To ye questions ko bahut dhyan se dekhiye. Marine mammal, to dugong, vaquita, seahorse and whale. To iska sahi answer hai vaquita, whose IUCN status is critically endangered, aur iski scientific name hai Phocaena cyanus. याद रख लीजिए, इट इज़ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मरीन मैमल्स विद पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 10 या 10 से भी कम होंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मरीन मैमल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन. Eutrophication is a syndrome of ecosystem which occurred as a response to the addition of artificial or natural nutrients such as nitrates, phosphate through fertilizer, sewage etc. that can fertilize the aquatic ecosystem. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कल्चरेटेड यूट्रोफिकेशन या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, और नेचुरल तरीके से भी होता है जैसे कि रेन वाटर एसिड रेन के टाइम पे होता है. तो इससे भी हो सकता है. इट इज़ कॉज ड्यू टू द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स इनटू लेक्स और रिवर. इसीलिए एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स को नहीं करना चाहिए. तो बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर. इट इज़ अ लैंडमार्क डिसीजन अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट रिकॉग्नाइजेस द यूनिक पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. तो ये यूनेप नहीं होगा, UNFCCC होगा. इट रेजोनेट्स विद FAO's कोर मैंडेट टू एलिमिनेट हंगर, फूड सिक्योरिटी एंड मैलन्यूट्रिशन. तो ये करेक्ट आंसर में ऑप्शन नंबर 2 सही है. तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट आंसर होगा.
तो कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर इज अ लैंडमार्क डिसीजन अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और द कोरोनिविया डिसीजन एड्रेसेस सिक्स इंटरलेटेड टॉपिक्स, कौन कौन से, सॉयल, न्यूट्रिएंट यूज, वाटर, लाइफ स्टॉक, मेथड ऑफ असेसिंग एडाप्टेशन एंड द सोशियो इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी डायमेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अक्रॉस एग्रीकल्चर सेक्टर। डिसीजन रेसोनेट्स द एफएओस कोर मैंडेट। क्या है कोर मैंडेट? टू एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड रूरल पॉवर्टी, मेक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम। तो टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड कैंपिंग टू सेव ओनली टाइगर एंड नॉट इट्स प्रे। ये गलत है, अगर प्रे नहीं रहेगा तो प्रिडेटर भी नहीं रहेगा, तो दोनों प्रिडेटर एंड प्रे की जरूरत होगी। टू प्रोमोट ए लीगल फ्रेमवर्क इन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो भी 12 मेजर टाइगर कंट्रीज है जिसमें टाइगर्स प्रेजेंट है, उन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, फिर ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रमोशन भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू हाइपर लूप सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सरफेस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट यूजेस कैप्सूल और पॉड्स दैट ट्रैवल नियरली एट द स्पीड ऑफ द साउंड। ये बिल्कुल सही है। इट यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक लेविएशन फॉर लिफ्टिंग एंड गाइडिंग द पॉड्स। ये नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेविएशन नहीं होगा। इट इज एनर्जी एफिशिएंट। ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइपरलूप इज अ फिक्स्ड गाइडवे सरफेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट यूजेस कैप्सुलर पॉड्स दैट ट्रैवल एट नियरली स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ सील्ड ट्यूब एट पार्शियल और नियर कंप्लीट वैक्यूम। और स्पीड ऑफ द साउंड क्या है? तो ये है 340 मीटर पर सेकेंड। इट यूजेस मैग्नेटिक लेविएशन फॉर लिफ्टिंग एंड गाइडिंग द पॉड्स एंड लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। ठीक है, तो लिफ्टिंग एंड गाइडिंग द पॉड्स के लिए मैग्नेटिक लेविएशन लगता है, एंड लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स जो लगेगा फॉर एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग के लिए। द कंसेप्ट इज मोर कन्वीनियंट, फास्टर एंड पोटेंशियली एनर्जी एफिशिएंट फॉर ट्रैवल एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी दैन एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ एयर, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। द लो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइपरलूप हैज ड्रॉन द रेलवे टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। और रेलवे IIT मद्रास के साथ में मिलकर काम कर रहा है, हाईलाइटिंग द टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द कंट्री इन अटेनिंग द कार्बन न्यूट्रलिटी गोल, जो है उसको अटेन करने के लिए। तो इस आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एनवायरमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, और साथ ही साथ में नेक्स्ट मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सीरीज शुरू होने वाला है जल्दी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।